उल्ली बेड़े का अचार और करेले की सब्जी। तारीफ प्लीज। ये कभी बुरी लग सकती है? हमारे घर पे एक प्यारी सी नन्ही सी परी आई थी, मतलब एक छोटी बच्ची आई थी, उसके साथ हमने खाया पिया, मजे भी बहुत सारे। पता है अभी हम 5 इयर्स के हैं और हम 2 इयर्स के बचपन में खो जाते हैं। 5 साल के 2 साल के बचपन में खो जाते हैं। मम्मी अभी तक वही वाला ब्लॉग देख रहे हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ठीक हूँ। मम्मी मैं ठीक हूँ। आपको पता है ये 5 साल की बच्ची बोल रही है कि 2 साल वाले बचपन में खो जाती है। और गाइस हम टैटू स्टिकर्स इसीलिए लगाते हैं क्योंकि किसी को पसंद होता है वीडियो में आना, किसी को नहीं होता है, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं हो इसीलिए हम। सो गाइस तो हम लोग जा रहे हैं शूटिंग के गुरुद्वारे। आज इसको क्या हुआ, इतना सो क्यों रहा है? मैं दे ही आती हूँ। सबसे पहले जा रहे हैं अपन कैश निकालने, क्योंकि पैसे बिल्कुल भी नहीं है जेब में भाई। ओके। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग और फिर गुरुद्वारा लास्ट में, मतलब रात में या सुबह ही तो जाना चाहिए। ओके। कम से कम 1000 तो दे दिए उससे क्या। मुझे लगा भैया को खांसी आ गई। तो फाइनली गाइस हमारा काम हो गया। गुरुद्वारे में पता है सब लट्टे बनाने जाते हैं। हम जब कहते हैं ना तो सफाई हो रही थी गुरुद्वारे की। पलट तुझे नहीं आता? ये उल्टा बांध रही है कि सीधा बांध रही है? सही है। अच्छा तो गाइस मेरा सर बड़ा है इसीलिए मेरे से बंद नहीं रहा है। मैं लग कैसी रही हूँ वैसे यहाँ से कि ये जाते धोख लगा लेटेगा धोख लगा। मुझे नहीं आता कैसे करते, मतलब किसी को तो दिक्कत। ठीक है दीदी कोई दिक्कत नहीं है, बस सर ढका होगा चाहिए। मेरा तो पैंट ही गीला हो गया पैर धोने के चक्कर में। हाथ में शांति के लिए चुपचाप बैठिए। मेरे को तो शांति शांति है, वैसे कितने रुपए में मिलेगी? ओ शांति शांति। मुझे तो बहुत ऑकवर्ड लगता है क्योंकि गाइस मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। मैं तो आप ही करती हूँ। हाँ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अभी क्या करना है, कहाँ से करना है, कब करना है। चलो कुछ नहीं करना है, घर जाना है सीधा। हो गया हुँ. तो इसको घर ले जाना है? नहीं उतार के वापस रखना है। अच्छा वैसे गाइस तो है, सो गाइस ये है शिवजी का गुरुद्वारा। बहुत सुकून मिलता है रहना। प्रसाद भी मिला है। मीठा खा लिया कि मना थी ना 45 डेज तक। सॉरी ज्यादा मीठा नहीं है, नॉर्मल ही है, टेस्टी रहता है ना। अभी पता है कीर्तन नहीं चल रहा था, देखना। अरे यार किस्मत में ही नहीं था पटाखे रिकॉर्ड। पागल तेरी शकल देख के पटाखे बुझ गए। ये आवाज तो आ रही है ना खुशी, फिर धुआं रह गया यार। जोते तेरा सिंधिया जी आ रहे हैं क्या? उनपे उनके आने पर तो पागल पूरी जनता जो है ना फट बैठती है, पूरी सुपर ही है ना खत जाती है भाई। मम्मी मुझे डरा रहे हैं यार, बीच सड़क पर चला चक्कर आया हमने जाऊंगा। वैसे कोई मतलब नहीं है, गले से भला मजा आता है। कहाँ गई तेरे? गाइस अभी झूला तो चल नहीं रहा है, तो मैं अपने देखो सेफ झूला झूल के दिखाऊं। देखो दीदी क्या मम्मी कह रही, तुझे डर तो नहीं लग रहा? मुझे डर लगता है क्या? गिरी गिरी गिरी। ऑल द बेस्ट ज्योति। मैं ये कह रही थी कि हम लोग घर जा रहे हैं, तू आ जाइयो। बैठ जा
स्टार्ट हो गया, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। माय गॉड, बहुत मजा आ रहा है। अभी तो स्टार्ट के उतनी में इतनी मजा आ रहा है। ज्योति सब ठीक है ना? चक्कर नहीं आया यार, तेरी पता चल रही थी, ठीक है ना? अच्छा लाया ना? तो गाइस हम फिर मेला गए और फिर लेके आए प्लेट, चम्मच, कुर्सी के लिए चश्मा और ये क्लिप मेरे लिए नहीं है, इसको पसंद आई थी, और ये मेरे लिए टी शर्ट, कुर्सी के लिए पर्स, ये मम्मी का फेवरेट पर्स, और ये शॉर्ट्स। मेरे पे प्रोफेसर होता है ना वैसा लग रहा है। ये चश्मा मेरा है, ये चप्पल मम्मी की है, ये हम दोनों का है, ये हम दोनों का है। मेरा सब कुछ तू तो अपने 50 रुपए का झूला झूला आई। दीदी रुक जा, दीदी तो मैं रुक जा।